अरे भाई ये क्या केमिकल वाले फेस वॉश लगा रहे हैं? अरे भाई इसमें सैलिसिलिक एसिड है जो कि ऑयल को कंट्रोल करता है। अरे ये सब चोचले हैं, मैं लगाता हूँ साबुन, देख रहा है स्किन को। तू ऐसे नहीं मानेगा ना, तेरे को इसके पीछे की केमिस्ट्री समझानी पड़ेगी ना। सैलिसिलिक एसिड में बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, दैट इज BHA। ये एक वीकली एसिडिक होता है, इसकी pH 3 टू 3.5 होती है और हमारे स्किन की pH 4.5 टू 5.5 होती है। इस वजह से ये हमारी स्किन पे इफेक्टिव होता है। इसका केराटोलिटिक इफेक्ट, अरे क्या कुछ समझ नहीं आया? देखो सिंपल भाषा में समझाता हूँ, केराटिन एक प्रोटीन होता है जो हमारी स्किन खुद बनाती है और वो केराटिन हमारी स्किन को शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करता है। बट कुछ केसेस में हमारी स्किन एक्सेस केराटिन प्रोड्यूस करती है, वो एक्स्ट्रा केराटिन ऑयल में जाके मिक्स होता है और पोर्स को ब्लॉक कर देता है। उसकी वजह से हमारे को पिंपल्स होते हैं, एक्ने या टाइनी बम्स हो जाते हैं। और फिर आता है सैलिसिलिक एसिड जो कि एक्स्ट्रा केराटिन को ब्रेक कर देता है, हमारे पोर्स को क्लीन एंड क्लियर बना देता है और स्किन को एक्सफोलिएट कर देता है। अरे यार समझ तो आ गया, बट तुझे ये सब कैसे पता है? क्योंकि मैं यश जैन कैम को फॉलो करता हूँ, तू भी कर ले और आप भी।